तो आज हम देखेंगे कि मल्टी रेंज वोल्ट मीटर हम कैसे बनाएंगे। मल्टी रेंज का मतलब यह है कि आपके पास वोल्ट मीटर एक फिक्स्ड रेंज का ना हो, यानी आपके पास मिसाल के तौर पे अगर 10 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर है तो आप उसमें एक सिलेक्टर स्विच लगा के उस 10 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर को आप जो है 50 वोल्ट और 100 वोल्ट पे भी चला सकें। यानी मल्टी रेंज आप वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। द रेंज ऑफ द बेसिक डीसी वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाई यूजिंग नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड्स एंड अ सिलेक्टर स्विच। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड्स एंड और सिलेक्टर स्विच आपको लगाना होगा। सिलेक्टर स्विच, ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है ये आपको इसमें लगाना होगा। सच अ मीटर इज कॉल्ड अ मल्टी रेंज वोल्ट मीटर एंड इज शोन बिलो। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि मीटर के साथ एक सीरीज़ की रेजिस्टेंस जो है वो, जिसको हम सीरीज़ रेजिस्टेंस या मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो लगाते हैं सीरीज़ के अंदर। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारी जो है वो रेजिस्टेंसेज जो हैं वो आप इसमें यूज़ करेंगे। द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 आर द फोर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंसेज। इसमें R1, R2, R3, R4 चार डिफरेंट वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस होंगी इस सर्किट के अंदर। इसकी एक और वर्जन भी है, बहुत से आगे हम देखते हैं। इस वर्जन में R1, R2, R3, R4 डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस हैं जो जिससे आपका वोल्ट मीटर की रेंज डिसाइड होती है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर दे कैन गिव फोर डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस एज V1, V2, V3 एंड V4। द सिलेक्टर स्विच एस इज अ मल्टी पोजिशन स्विच बाई विच द रिक्वायर्ड मल्टीप्लायर कैन बी सिलेक्टेड इन द सर्किट। द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द बेसिक डीसी वोल्ट मीटर इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सच मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो हमने ये देखा था कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। R1 कैसे निकालेंगे हम, V1 ओवर IM माइनस आर है। V1 ओवर IM क्या है, टोटल वोल्टेज रेंज डिवाइडेड बाय करंट दैट गिव्स यू टोटल रेजिस्टेंस। यानी टोटल रेजिस्टेंस में से आप माइनस करें आपकी RM को तो वो आपकी R1 आ जाएगी। तो ये वोल्ट मीटर के एनालिसिस में हमने इक्वेशन की थी। बेसिक सर्किट एनालिसिस है बेसिकली ये कि आप एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक RM है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आपका V है, ठीक है, तो इसका वी है, तो करंट आपका एक कांस्टेंट होगा जो दोनों रेजिस्टेंस में जाएगा। तो वी ओवर आई आप करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसमें से आप ये माइनस कर दें RM, तो आपकी R आ जाएगी। तो R1 इज इक्वल टू V1 ओवर IM माइनस RM। इसी तरीके से R2 इज इक्वल टू V2 ओवर IM माइनस RM। तो ये आपकी डिफरेंट जो है वो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर V1, V2, V3। अच्छा,